जी अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल चाल है? गर्ल्स के लिए भी अस्सलाम वालेकुम। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा मैं इधर, लेकिन कोई देखता नहीं है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि आज हम आ गए हैं अपना लो एफर्ट कंटेंट के साथ Q&A करने। वैसे अगर आप में से किसी ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो मतलब के सीन बैड है थोड़ा, तो जरा थोड़ा अगर हो जाता। पहला सवाल ये है कि साहब भाई पूछ रहे हैं, भाई जिम कब शुरू कर रहे हैं? मतलब के मतलब कोई मोटा बंदा देख लिया तो आप लोगों ने उसके पीछे पड़ जाना है कि जिम शुरू करो, मतलब कि इधर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है थोड़ा सा। हमजा भाई पूछ रहे हैं बेस्ट बिगिनर कैमरा, और मैं ये कहूँगा इस पे कि यो मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट बिगिनर कैमरा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आपको शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं एक मिररलेस कैमरा की या किसी भी कैमरे की, अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता ना, फिर तो आपको कोई भी अभी मिररलेस कैमरा या DSLR लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की बात है कि बेस्ट बिगिनर कैमरा ये कौन सा लेना चाहिए, सोनी लेना है, नाइकॉन लेना है, कैनन लेना है, वो बात की बातें हैं। अभी आप अपने बाइक की बात सुनो। मौजम असद पूछते हैं, हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट आर यू होपिंग टू डू नेक्स्ट? ठीक है, और इसका बड़ा सिंपल जवाब है, और मैं ये कहूंगा कि जो इंस्पिरेशन है वो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर से ही है, इरफान जुनेजो और तहमूद सलाउद्दीन। और अगर आप दो बड़ी हस्तियां अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज मुझसे मिलने, मैं आऊंगा कराची। ठीक है, मैं आऊंगा कराची, आपके पास आऊंगा, प्लीज मुझे इन्वाइट कर। एंड वट आर यू होपिंग टू डू नेक्स्ट? और इसका ये जवाब है कि मैं फिल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ, मतलब मेरी पढ़ाई भी हुई है और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मैं फिल्म मेकिंग की फील्ड में ही कुछ करूँगा इंशाल्लाह, अगर आपकी दुआएं रहीं तो। अब्दुल्ला असलम पूछ रहे हैं, व्हेन यू केम टू नो फिल्म मेकिंग इज़ योर पैशन? और ये जी हुआ जी 2016 की बात है, मैं पहाड़ क्रॉस कर रहा था। खैर 2016 की ही कहानी है, और मुझे अभी तो खैर टेक वीडियोज़ इतनी मैं बनाता नहीं हूँ, मैं ज़रा फिल्म मेकिंग तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन अब उस वक्त मुझे टेक वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता था, तो मैंने एक चैनल बनाया था, टेक अहमद के नाम से वो चैनल था, और उस पर मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता था, दोस्तों के मोबाइल वगैरह पकड़ पकड़ के कंपैरिजन वगैरह करना, रिव्यू शिव्यू बनाना। तो इसी के थ्रू मेरा फिल्म मेकिंग का पैशन आया, कैमराज के साथ डील करना और एडिटिंग वगैरह सीखना, तो इसी के थ्रू आया। सो एनी हाउ, यही आपका मेरे ख्याल मेन क्वेश्चन था कि कैसे आप फिल्म मेकिंग के अंदर आए, तो ये एक मेरी एक तरह से जर्नी थी कि मैं इस तरह फिल्म मेकिंग के अंदर घुसा। जोक बना लो इसका। अनस अब्दुल भाई पूछ रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान मीडिया फील्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मैं जवाब आपको बड़े ही मुख्तसर अंदाज में देना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मैंने अपना ए लेवल्स तक मैंने इधर बताया मैंने सारे, ठीक है, और मुझे पता है कि कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रही है मेरी। अब ये भी फील्ड जो है फिल्म मेकिंग बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड है, और इसमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप थ्योरेटिकल में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। इसकी बड़ी सिंपल मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे गाड़ी सीखने की वीडियोस देख लें, मोटरसाइकिल सीखने की वीडियोस देख लें, जब तक आप उस मोटरसाइकिल या गाड़ी के अंदर नहीं बैठेंगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आपको मिरर्स के बारे में नहीं पता होगा, गियर कैसे शिफ्ट करना उसके बारे में नहीं पता होगा। और ये भी है कि जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इतनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है इस फील्ड के अंदर। अली खान पूछ रहे हैं, डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते? यार ब्रो, मेरी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, वीकेंड्स में मैं दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं कभी कभी, लेकिन उसके अलावा पूरा हफ्ता मैं अपने घर में ही गुजारता हूँ। सो आई थिंक फॉर श्योर अभी के लिए मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। एनीवेज दैट्स अबाउट इट, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, बड़ी ही सिंपल सी, बड़ी लो एफर्ट सी वीडियो थी, लेकिन आई होप कि आप लोगों के साथ मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, और मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।